हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आज के ब्लॉग में। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में खुश होंगे। सो फ्रेंड, जो है आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो फ्रेंड, आज हम लोग खाना वाना खा चुके हैं, अभी धीरे धीरे खाना वाना खा रहे हैं। और दोस्तों, आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है फ्रेंड। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को फुल डिटेल में दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आज के ब्लॉग में। सो दोस्तों, देखिए तैयारी हो चुका है और हम लोग डांस अभी करने जा रहे हैं। हाय गाइस, सो फ्रेंड बने रहिए, लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाता हूँ आज मटमंगरा होने वाला है। सो फ्रेंड, आज खूब मजा आने वाला है। यदि चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए नए ब्लॉग की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड, अभी स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग जो यहाँ पे डांस अभी चालू कर रहे हैं, अभी कोई मतलब मटमंगरा का प्रोग्राम हो भी नहीं रहा है, थोड़ा शाम हुआ है, उसके बाद हम लोग अभी थोड़ा सा डांस कर लेते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आने वाले नए नए ब्लॉग की जानकारी आप तक पहुँचती रहे और ऐसे ही नए नए ब्लॉग आपके लिए लाता रहूँ। सो फ्रेंड, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा डांस कर लेते हैं। सो फ्रेंड, मैं अभी थोड़ा डांस कर रहा हूँ। डांस कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। सो फ्रेंड, फाइनली जो यहाँ जो है देहाती भाषा में जो भी कार्यक्रम होता है मटमंगरा का, उसको जो है यहाँ पे करने के लिए सब कुछ रेडी कर दिए हैं घर वाले। ये देखिए क्या क्या सब है, चौका चौका है, लोटा है, ये सब। और फ्रेंड जो है हमारे यहाँ जो गेहूँ और भेली बढ़ता था, लेकिन अभी जो है नया हम लोग नियम कुछ निकाल रहे हैं, जो है लड्डू और लाई बटेगा अभी यहाँ पे। देखिए माता जी और हमारे बीबी जो है डिस्कस कर रहे हैं आपस में। सो फ्रेंड, देखिए काफ़ी मज़ेदार होने वाला है आज का ब्लॉग। देखिए अभी ये बैठ चुकी हैं और अभी जो है, सो फ्रेंड देखिए अभी जो है यहाँ पे लाई और लड्डू जो है तैयार है बांटने के लिए, और गांव की सभी औरतें इकट्ठा हो चुकी हैं यहाँ पे। देखिए कुछ इस प्रकार से नज़ारा दिख रहा है, और ये भाई है अपना जिसकी शादी होने वाली है। सो फ्रेंड, फाइनली जो है भाई और माताजी जो है बैठ चुके हैं, चौक जो पूरे हैं उस पर बैठ चुके हैं, और ये भाभी है हमारा, अभी जो ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी और भाई के हाथों में चावल देंगी, चावल और टुकड़ी जो है भाई को थमाएंगे। और मजाक भी चल रहा है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनली जो भाई के हाथों में जो टुकड़ी और चावल देकर रेडी हो गया है, और अभी लाई और लड्डू को बांटेंगे इधर, और बच्चे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं लड्डू और लाई लेने के लिए। अभी देखिए बच्चों की भीड़ लग जाएगी। पहले जो है लाई और लड्डू जो है माताजी को दिया जाएगा, और माताजी को अभी लाई लड्डू दे चुके हैं, अभी जो है सबको बारी बारी से लड्डू देंगे, लड्डू और लाई। ये देखिए कितना भीड़ लग गया है लड्डू और लाई लेने के लिए, लाइन लग गई है, सभी जो है अपने में छोरा छोरी कर रहे हैं। और ये जो है छोटा सा जो है एक तेल बांटने वाला है, इसी भर कर दो दो चम्मच जो है तेल दिया जाएगा। सुबह देखिए तेल और लाई और लड्डू को बांटा जा रहा है दोस्तों। ये रिवाज जो है हमारे गांव में अभी पहली बार हम लोग कर रहे हैं, कुछ नया टाइप का। देखिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे लोग खूब एकदम मज़ेदार में खुशी हैं लड्डू और लाई को देखकर। सो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो है मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। सो फ्रेंड, गेटअप और सेटअप कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सो फ्रेंड फाइनली जो है सब कुछ जो है रेडी हो चुका है और अभी जो आगे का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सो फ्रेंड देखिए जो है अभी दो एक लोग बचे हुए हैं जिनको लाई और लड्डू दिया जाएगा। सो फ्रेंड फाइनली जो है सबको बांट चुके हैं और यहाँ पे लाई और लड्डू जो है बचा हुआ है। सो फ्रेंड अभी जो है लाई और लड्डू को जो है मिक्स करेंगे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके सभी लोगों में बांटेंगे और बच्चे लोग काफ़ी ज़्यादा एकदम खुशी से झूम रहे हैं लड्डू और लाई लेने के लिए। सो फ्रेंड देखिए इधर जो है मैं लड्डू और लाई को जो है सब लोगों में बांट रहा हूँ, सबको जो है लड्डू और लाई थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में दे रहा हूँ। सो फ्रेंड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ये हमारा नया रीति रिवाज कैसा लगा। हमारे गांव में दोस्तों अभी तक जो है गेहूं और भेली को वितरित करते थे, फिलहाल हम लोग अभी नया कुछ कर रहे हैं। सो फ्रेंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। सो फ्रेंड देखिए हमारे गांव के महान बुजुर्ग आदमी हैं सूरज बाबा और ये अमर भैया हैं और ये श्री राम फुप्पा हैं, इनको जो भी मैं लाई और लड्डू को वितरण कर रहा हूँ बहुत प्यार से कहने के बाद लाई लड्डू ये मेरे प्यारे और बड़े बुजुर्ग लोग लिए हैं। देखिए दोस्तों लाई और लड्डू को मिक्स कर दिया हूँ और बांट रहा हूँ सब में। सो फ्रेंड फाइनली जो है इधर मटमंगरा का कार्यक्रम जो अभी चालू हो रहा है और सब बच्चे लोग नाच रहे हैं और भाई जो है भाई को जो है सब लोग लेके बाहर निकल रहे हैं और नज़ारा कुछ इस प्रकार से बहुत मज़ेदार होने वाला है वीडियो आज का। ये देखिए अभी चाबी की बात हो रही है कि बाबा साहब की चाबी जो है किसके पास है। सो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग अभी निकल चुके हैं बाबा साहब के मंदिर के पास जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का जो है मटमंगरा का प्रोग्राम जो है वहाँ ही होता है मंदिर पर। सो फ्रेंड देखिए नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, हमारे गांव की सभी औरतें, ये देखिए हमारी सिस्टर जो है नाच रही हैं और हमारी ये बीवी हैं और देखिए कितना मज़ा आ रहा है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे ही शादी का पूरा वीडियो ला सकूं आपके लिए। सो फ्रेंड देखिए डांस और मस्ती चल रहा है, ये हमारी बीवी जो है ये नाच रही हैं ब्लैक साड़ी वाली और देखिए काफ़ी मज़ा आ रहा है। दोस्तों हमारे गांव में जो है इस रीति रिवाज से पुराने रीति रिवाज से जो है मटमंगरा अभी जो है कुछ चेंज हो चुका है, नहीं तो पहले जो है दूसरे रीति रिवाज से होता था। सो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
सो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं अपनी बीबी के साथ अभी नाचने वाला हूँ, थोड़ा सा नाचूंगा क्योंकि पैर जो है मेरा फ्रैक्चर है, इसलिए जो है नाचने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी मैं नाच रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, सो फ्रेंड कैसा लगा मेरा डांस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग अभी पहुंच चुके हैं बाबा साहब के पास, इधर पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। सो फ्रेंड फाइनली जो है बाबा साहब के पास पहुंच चुका है भाई, और बाबा साहब का भी पैर वैर छू रहा है, और यहां से जो है कुछ इस प्रकार से जो है होने वाला है, जो गांव का रीति रिवाज है उसी हिसाब से यहाँ पर अभी जो है मटमगरा का कार्यक्रम प्रोसेस चालू होगा। यहाँ पर दौरी में कुछ रखा हुआ है और यहाँ पर मोमबत्ती वोमबत्ती भाई जलाएगा, दीपक उपक जलाकर अगरबत्ती जलाकर यहाँ पे कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे और उल्लास के साथ समर्पित किया जाएगा। देखिए ये देखिए यहाँ पे गोटी वोटी है जिसको भाई जो अभी भाई को उठाया उठाया जाएगा, और इसमें जो है अगर गोटी जो उठा लेते हैं सातों को तो उसको साव बोला जाता है, और नहीं उठाते तो उसको चोर बोला जाता है, कुछ ऐसा ही जो है गाँव का रीति रिवाज है हमारे। सो फ्रेंड देखिए जो है यहाँ पे ये हमारे बाबा साहब हैं, और हम लोग जो है यहाँ पे मटमंगरा का कार्यक्रम जो है वो समर्पित हो रहा है। ये देखिए सेल्फी ले रहे हैं, ये देखिए हमारा दिव्यांशु है कैसे ताक रहा है मेरे साइड में, मस्त सा वीडियो बनवा रहा है। ये देखिए और सभी लोग जो है मजे से एकदम ताक रहे हैं। ये भाई है मेरा खड़ा है मझला भाई। सो फ्रेंड यहाँ जो है गांव के रीति रिवाज से मटमंगरा का कार्यक्रम अभी इधर चालू हो गया है, मोमबत्ती वोमबत्ती लगा रहे हैं। मोमबत्ती लगाने के बाद भाई अभी पैर छुएगा बाबा साहब का, भाई अभी पैर छू रहा है ये देखिए, और काफ़ी मज़ा आने वाला है आज के ब्लॉग में। जैसा भी प्रोसेस रहता है वैसा भाई यहाँ पे जैसे जैसे बता रहे हैं सभी लोग वैसा कर रहा है। तो फिर देखिए अभी जो है गोटी को भाई को पकड़वाएंगे, ये देखिए फाइनली गोटी को जो आँख मूंद कर गोटी को पकड़वाते हैं, भाई ने सारा गोटी पकड़ लिया और सभी लोग ताली बजा रहे हैं, बोल रहे हैं कि साव है भाई, भाई चोर नहीं है ऐसा बोल रहे हैं सभी लोग। और ये देखिए अभी मैं आगे बढ़ूंगा, माता जी मेरी यहाँ पे डांस कर रही हैं देहाती भाषा में, और ये हमारे श्री राम पप्पा हैं जो किसी भी कार्यक्रम में अच्छे से जो है साथ देते हैं। सो फिर देखिए हमारी सिस्टर यहाँ पे डांस कर रही हैं, और ये देखिए ये भाई है हमारा, और सब जो है हमारे परिवार के सभी सदस्य जो है पीछे हैं, और ये हमारी सिस्टर मजली सिस्टर है, भाई है मझला भाई। और इधर देखिए मैं कुछ पैसे लुटा रहा हूँ। तो फिर फाइनली जो है यहाँ बाबा साहब के पास जो भाई को खड़े कर सेल्फी लेंगे थोड़ा दूरी से, और अभी जो है यहाँ पर कार्यक्रम जो वो समाप्त हो चुका है, अभी हम लोग घर के लिए रवाना होंगे, घर के लिए जा रहे हैं। सुबह देखिए भाई धीरे धीरे नीचे उतर रहा है सीढ़ियों से, अपने छोटे छोटे पद कमलों से। सो फ्रेंड हम लोग फाइनली जो है नीचे उतर चुके हैं, और इधर देखिए डीजे में काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे डीजे लगा हुआ है
और देखिए इतना मज़ा आने वाला है। देखिए आज का ब्लॉग एकदम दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और बेहिसाब होने वाला है। देखिए माता जी इधर डांस कर रहे हैं और भाई को लेकर मैं सेल्फी ले रहा हूँ इधर। लाइट की वजह से अच्छे से फ्लैक्स नहीं आ रहा है। यहाँ से जो प्रोग्राम अभी ख़त्म हो चुका है और आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए इधर जो दौरी वोरी सब यहाँ पे रख दिए गए हैं और इसमें जो नए लोग हैं वो बुआ ले लेंगे। सो फिर अभी जो है शायद धान उन कूटने का प्रोसेस जो है इधर पता नहीं क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। इधर देखिए पाँच औरतें जो है मिलकर यहाँ पर धान जो है लेकर उसको कूटेंगी। ये देखिए फ्रेंड आपके गांव में क्या ऐसा होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए इधर गांव की औरतें जो है थोड़ा सा धान लेकर उसमें जो मूसर की से कूट रही हैं। सुबह इस प्रकार से जो है पांच बार करते हैं। फाइनली जो धान को कूट चुके हैं और उसको जो है अभी बंद करके जो उसको कोई ले जाएगा घर। सो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। कैसा लगा ब्लॉग दोस्तों कमेंट में जरूर। सो फ्रेंड देखिए इस प्रकार से हम लोग सेल्फी ले रहे हैं और ये सब लोग भाई के साथ रहने वाले हैं और भांजा अपना जो अभी लेट आएगा पीछे खड़ा हुआ। सो फ्रेंड फाइनली जो हम लोग घर पहुँचने वाले हैं अभी और हम लोग घर जल्दी से जल्दी घर पहुंचने वाले हैं। सो फ्रेंड फाइनली हम लोग घर पहुंचने में थोड़ा सा देर लगेगा। सो फ्रेंड फाइनली हम लोग घर पर पहुंच चुके हैं और ये अंदर का प्रोग्राम कुछ इस प्रकार से अभी हो रहा है। देखिए माता जी हमारी परछन उर्छन करेंगी भाई का और ये बुआ जो है बुआ तो विधवा है इसलिए जो है बुआ का पोती जो है रीति रिवाज नए रीति रिवाज से यहाँ पर जो है बुआ का पोती दौरी और उठाया है। सो फ्रेंड देखिए इधर माताजी जो है परछन कर रही हैं भाई का, परछन करेंगी लोटा से बेलन से मूसर से और इस प्रकार से जो है माताजी जो है भाई का परछन करेंगी। लोढ़ा से अभी परछन हो रहा है भाई का। सो फ्रेंड फाइनली जो है इधर परछन जो है का प्रोसेस जो है वो लगभग जारी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अभी माता जी सूप लेकर लास्ट परछन कर रही हैं। सो फ्रेंड फाइनली जो है परछन वो परछन कंप्लीट हो चुका है। अभी माता जी अपने आंचल से जो है भाई का जो है नज़र उतारेंगी। देखिए भाई का नज़र उतार रही माता जी। सो फ्रेंड फाइनली जो है कंप्लीट होने लगा। भाई अभी कोबर के पास जाएगा जहाँ पे बना हुआ कोबर कैसा करके गांव के हिसाब से कहते हैं कोबर, वहाँ पे अभी आ रहा है और मैं आगे आगे जा रहा हूँ कैमरामैन क्योंकि मैं ही हूँ दोस्तों। ये देखिए फाइनली जो है भाई जो कोबर के पास पहुँचने ही वाला है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि दोस्तों भाई जो कोबर के पास पहुंच चुका है। ये देखिए और जो चावल है जो टुकड़ी है और उसमें जो है बरी है डाला है भाई ने उसको रख दिया और पैर छू लिया अभी यहाँ से।